जोनल अस्पताल मंडी में डॉक्टर बिस्तर पर था और मरीज उनके पास अपना उपचार करवाने पहुंच गया। न चाहते हुए भी डॉक्टर को मरीज की जिद के आगे झुकना पड़ा और उसे उपचार देना पड़ा। जोनल हॉस्पिटल मंडी का यह मामला है। यहां कार्यरत डॉक्टर दुष्यंत ठाकुर के पैर का ऑपरेशन हुआ था। करीब 12 बजे उन्हें ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। करीब 2 बजे उन्हें धर्मपुर निवासी 64 वर्षीय नारायण सिंह के परिजनों का फोन आया कि नारायण सिंह की हालत गंभीर है और वह उनसे ही उपचार करवाने की जिद पर अड़े हैं। डॉक्टर दुष्यंत मरीज की जिद को नकार नहीं पाए और उसे अपने पास आने को कहा। यहां डॉक्टर साहब बिस्तर पे थे और यहीं से ही उन्होंने मरीज का चेकअप किया। इनका मेरे को फोन आया 12-1 बजे, मेरा ऑपरेशन के बाद मैं बेड में शिफ्ट हुआ, मेरे को फोन आया कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा पेशेंट है मेरा, उनको जो है वो अंतिम सांस ले रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि एक बार लास्ट में आपके पास मतलब मिलना और आपको दिखाना, मतलब उनका इच्छा अंतिम इच्छा थी ये। अब मैं अपना इसमें मेरा मैं अपनी टांगे सोचूं, मैंने सोचा ना मैं हिल पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैंने बड़ा दुविधा में था। तो फिर भी मैंने उनको बोला चलो ठीक है, आप लोगों किसी की इच्छा अंतिम इच्छा बेचारे क्यों किसी के मन की इच्छा को ख़त्म कर मतलब ऐसे पूरे ना होने देना। मैंने कहा लिया ले आओ फिर मैं देख लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो नीरचौक मेडिकल कॉलेज में दाखिल थे, उन्होंने अपने आप को DOR कराया वहाँ से और वो यहाँ ले आए मेरे पास। मेरे पास ले आए तो फिर मैंने यहीं से उनको देखा और ट्रीटमेंट वगैरह डाली सारी। अब उसके उपरांत मैंने फिर उनको एडमिट कर दिया कैजुअल्टी में। अब ये एक देखो, अब एक देखो देखो जिस चीज़ के लिए हमने डॉक्टरी किया है, एक मतलब ये है कि भाई हमारे हाथ से जितना हो सके मरीजों का भला हो। मैंने अपने को ना देखते हुए मतलब अपने मरीजों को लिए मतलब अपने लिए पूरे अपने मतलब पूरे मन धन तन सब जिस चीज़ से भी मेरी मतलब उनकी मदद हो सके मैं पूरी मदद करता हूँ। तो मैंने पूरी कोशिश की कि पूरी जितना हो सके बेचारे को मदद। अब वो जो हैं मतलब बहुत, अभी मेरे पास उनके अटेंडेंट भी आए, बोले सर अभी 20 या आपको देख के और उनके 20% 30% जो अभी वो अपन को ठीक महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर सबसे बड़ा विश्वास है मेरे को, डॉक्टर दुष्यंत, इसने मेरे को भी बचाया हुआ है, मेरे भाई को भी बहुत सुविधा दी है बेचारे ने, इसका भला करेगा भगवान, आपका भी भला करेगा भगवान। अच्छा अब कैसा फील कर रहे हैं आप? अब ऐसा फील कर रहा हूँ भाई, यहाँ पहुँच गया जब मैं मंडी में तो मुझे हवा हवा बढ़िया लगी, अच्छा वातावरण है, खुला है और ट्रीटमेंट मेरे फटाफट हो गए ऐसा लगा। पहले से ठीक? और पहले से मेरे को 10% 25% फर्क है। बिल्कुल सर, देखो डॉक्टर खुद बेचारे बिस्तर पे हैं और गवर्नमेंट ऐसा तो है ना कि प्राइवेट है, मतलब उन्होंने अच्छा उपचार दिया, अच्छा डायग्नोसिस दिया, मतलब उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी और आप पत्रकार बंधुओं का भी। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।